ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट में जो मैंने बनाया है दिवाली के लिए। दिवाली को मैं 5 दिवस की महासाधना बोलती हूँ, यानी आई ऑलवेज लाइक टू से दैट दीपावली इज द 5 डे महासाधना। इस महासाधना का 13वां साल है, विच मीन्स फॉर द पास्ट 13 ईयर्स आई हैव बीन मेकिंग दिस 5 डे महासाधना वेरी वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें मैं बताती हूँ दिवाली को मनाने का सही तरीका। देखिए, आम तौर पे अगर हम देखें तो दिवाली को मनाया जाता है अपने अपने तरीके से। हर प्रांत में दिवाली मनाई जाती है और कार्तिक मास में आती है, अमावस्या का दिन होता है। बहुत सारी कहानियाँ, पौराणिक कथाएँ भी जुड़ी हैं दिवाली से। श्री राम का अयोध्या वापस आना, कृष्ण का नारकासुर को मारना, बहुत सारी कथाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि अमावस्या, जिसको हम एक ऐसा दिन मानते हैं कि हम कोई शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसी अमावस्या होती है कि जिसमें हम खूब जोर शोर से पूजा पाठ करके और अपने घर में माँ लक्ष्मी का आगमन करते हैं। सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ दिवाली। दिवाली जो है वो 5 दिन के लिए होती है, विच मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम धनतेरस एंड इट फिनिशेस विद भाई दूज। इसको 5 दिन का क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली और स्पिरिचुअली देखें तो इन 5 दिनों के आसपास कुछ ऐसी ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी युति बनती है, द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज सच दैट वी आर एबल टू मैनिफेस्ट मटीरियल वेल्थ। ये दिन अगर हम दीपावली को स्पेसिफिकली देखें तो स्वाति नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा का होना, यानी लीब्रा में, यानी कहीं ना कहीं एक बैलेंस दिखाता है, द बैलेंस बिटवीन आवर स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटीरियल लाइफ। मैं ये मानती हूँ कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जाने बिना आप मटीरियल वेल्थ को अट्रैक्ट अपनी जीवन में नहीं कर सकते। पिछले कुछ सत्संग में मैं वेद और फाइनेंस पे बहुत बात कर रही हूँ, यानी हमारे शास्त्रों में पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर, ग्रोथ को लेकर क्या कहा गया है। और थैंक यू वेरी मच कि आप सबका रिस्पांस इतना अच्छा आया है कि आपको अब समझ आ रही है कि जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो हम सिर्फ करेंसी की बात नहीं करते, सिर्फ एक पैसे की बात नहीं करते, बैंक बैलेंस की बात नहीं करते। लक्ष्मी और बहुत सारे अलग रूपों में हमारे पास होनी चाहिए। अष्टलक्ष्मी भी इसीलिए कहा गया कि हमारे सबसे पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया होता है, इसलिए धनतेरस का दिन, धन त्रयोदशी का दिन जो है, वी डेडिकेटेड टू द फादर ऑफ आयुर्वेदा, उनकी पूजा होती है। सो इन द दिवाली महासाधना ऑफ दीज 5 डेज मैं आपको एक PDF डॉक्यूमेंट देती हूँ दिवाली महासाधना की किट के साथ, जिसमें हर दिन का सिग्निफिकेंस होता है, जिसमें दीपावली पर्व का सिग्निफिकेंस होता है, जिसमें हर दिन का अलग अलग सिग्निफिकेंस तो है ही, लेकिन अलग अलग पूजा करने का तरीका, सही टाइम, सही रंग, सब कुछ होता है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बंधने की बात हो गई, और ये तो हम जो है जिस तरह से हम इंजॉय करते हैं वो हम कर नहीं पाएंगे। नंबर 1, लेट मी क्लियर दिस डाउट दैट दिवाली महासाधना इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक ईजी प्रोसेस। आई थिंक एनी थिंग विच इज़ सिस्टमैटिक इरिटेट्स अस। सिस्टम इज ऑलवेज ईजी, प्रोसेस इज ऑलवेज ईजी। We find it complicated because हमने अपने जीवन को इतना ज़्यादा chaotic कर रखा है कि हम किसी system में, process में बंधना ही नहीं चाहते। लेकिन जो लोग किसी system और process में बंधते हैं उनको realize होता है कि it is very simple, it is not complicated। तो सबसे पहले तो दिवाली महासाधना बहुत सिंपल वैदिक प्रोसेस है, जिसमें आपको समय पर सब चीज़ें करनी हैं, सही इंग्रेडिएंट्स के साथ, सही आपके पास जो आइटम्स दिए जाते हैं एनर्जाइज करके, उनको आपको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताया जाता है।
So it is not complicated. So there is no need to think that, oh, if I follow this Mahasadhana for 5 days, I will not be able to go out, I will not be able to party, I will not be able to play cards. कई जगह मैं देखती हूँ कि लक्ष्मी का निरादर होता है, लेकिन दिवाली पर लक्ष्मी को बुलाने के अलग अलग तरीके लोग करते हैं, टोने करते हैं, टोटके करते हैं, लेकिन सही तौर पर लक्ष्मी का निरादर करते हैं. देखिए, ये 5 दिन लक्ष्मी के आदर करने के होते हैं, उनको बुलाने के लिए होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो साल के दिन हैं आप उसमें इन चीज़ों को बहुत इजी ले सकते हैं. लॉट ऑफ पीपल आल्सो आस्क मी अबाउट हाउ यू नो वी कैन मैनिफेस्ट लक्ष्मी इन आर होम्स, एंड कुछ ऐसी कोई रेमेडीज बता दीजिए, ऐसे कोई टोने टोटके बता दीजिए जिससे कि हम रातों रात अमीर हो जाएं. जिन लोगों को लक्ष्मी का सही मतलब मालूम है, जिन लोगों को अब पता चल चुका है कि लक्ष्मी किस फॉर्म में आती हैं, लक्ष्मी का असली मतलब क्या है, हमारे शास्त्र लक्ष्मी के बारे में क्या कहते हैं, वो लोग अब शायद ये सवाल नहीं पूछते, बिकॉज नाउ दे हैव अंडरस्टूड दैट लक्ष्मी इज अ फॉर्म ऑफ अबंडेंस. लक्ष्मी मीन्स दैट व्हेन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबंडेंट, देर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ वेरी हैवी बैंक बैलेंस व्हेन यू डोंट हैव अ फैमिली, व्हेन यू डोंट हैव रिलेशनशिप्स, when you don't have good health, when you don't have good neighbors, there is no point in having such a bank balance. Har cheez lakshmi ke aadhar se agar hum dekhe to wo kahin na kahin vishnu par badi sateek baithti hain, yani vishnu ke aacharan ki wajah se lakshmi hamare paas aati hain, ye bhi baat bilkul satya hai. ab agar hum dekhna shuru kare ki ye jo 5 din hain महासाधना के, इसमें पहला दिन हम धनतेरस का मानते हैं, दूसरा दिन रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली मानते हैं, तीसरा दिन जो होता है महानिशारात्रि जिसको हम मेन दिवाली मानते हैं, उसके बाद अगला दिन गोवर्धन पूजा होता है, और फिर 5वां दिन जो होता है वो है भाई दूज के साथ संपन्न होती है आपकी दिवाली महासाधना. इन 5ों दिनों की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्या सही डायरेक्शन है दिवाली पूजा करने की, किन किन चीज़ों को अपने साथ में रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको महासाधना डॉक्यूमेंट में मिलता है. इसके अलावा कुछ आपसे वैसे ही बातें करना चाहूँगी पैसे के बारे में. देखिए, मनी ब्लूप्रिंट जिसको हम पैसा कहते हैं, कुछ लोगों के पास इतना होता है कि संभाले नहीं संभलता, और कुछ लोगों के पास शायद दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू मेक द एंड्स मीट, या फिर पैसा है लेकिन जितना आता है उससे कहीं ज़्यादा चला जाता है, या फिर आने से पहले ही खर्चे तैयार होते हैं, या फिर हम किसी गरीब इंसान को देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके जीवन में खाने को कुछ नहीं, या कपड़ा नहीं, या छत नहीं. वाई दिस डिस्पैरिटी व्हेन इट कम्स टू मनी? इसको दो तरह से हम देख सकते हैं. एक तो कार्मिक फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो फिर प्रारब्ध की बात आ जाएगी और बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ भी बन सकता है कि किस तरह से कर्मों के आधार पर हमें कुछ मिलता है और हम किस तरह से इस जन्म में उन कर्मों को ठीक कर सकते हैं अगर हमारे पास ज्ञान आता है. दूसरा तरीका है इसको एक और तरह से समझने का कि मनी ब्लूप्रिंट जो होता है, कुछ लोगों का मनी ब्लूप्रिंट क्या इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने जीवन में लग्जरी को, पैसे को, अबंडेंस को अट्रैक्ट हमेशा करते रहते हैं, और कुछ लोगों का क्या ब्लूप्रिंट इतना कंटैमिनेटेड होता है कि पैसा उनके पास आता है लेकिन फिर छोड़कर चला जाता है, या वो हमेशा पैसे को लेकर बहुत इनसिक्योर और फियरफुल रहते हैं. ये समय बिल्कुल सही है इन बातों के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये जो समय चल रहा है, चातुर्मास का आखिरी महीना चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है,
प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा बदले हैं, राहु केतु ने अपना ट्रांजिट किया है, राहु जो है वो मीन में चले गए हैं, केतु जो है वो वर्गो में कन्या में चले गए हैं, इन सब के चलते ब्रह्मांड में हम क्या देख रहे हैं और क्या पैसा आगे आने वाले समय में कुछ लोगों के पास हमेशा रहेगा और मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि लक्ष्मी की आदत है मल्टीप्लाई होना। लक्ष्मी स्थिर होनी चाहिए हमारे पास, इसीलिए दिवाली की पूजा मैं हमेशा बोलती हूँ स्थिर लगन में करिए, अस्थिर लगन में मत करिए आप दिवाली की पूजा। जैसे स्थिर लगन में दिवाली की पूजा करिए लेकिन अस्पताल जाइए आप अस्थिर लगन में। अस्थिर लगन मतलब कि आप अस्पताल जाएंगे तो आप वापस भी आ जाएंगे जल्दी। तो स्थिर लगन में पूजा पाठ जब होते हैं तो उनका हमें रिजल्ट जो है वो 100% मिलता है, एंड इट स्टेज विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट इज गॉट द कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे लक्ष्मी दूर भागती है, ऐसे कौन सी आदतें हैं जिनसे लक्ष्मी दूर भागती है, इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल सी आप टेक्निक इस्तेमाल करिए कि इफ वी जस्ट लुक एट योर हाउस, अगर हम आपके घर की बात करें तो हम दिवाली के आसपास खूब साफ सफाई रद्दी बेचते हैं, घर को नया रंग रोगन कराते हैं, घर को सजाना शुरू करते हैं, यानी कि हमें ये पता है कि माँ लक्ष्मी जो हैं वो साफ सुथरी जगह पर ही रहती हैं। अब साफ सुथरी जगह आपको सिर्फ घर लगता है, लेकिन साफ सुथरी जगह आपका अपना शरीर होना चाहिए। पहले आप अपने शरीर को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली साफ सुथरा रखेंगे तो ही माँ लक्ष्मी किसी ना किसी फॉर्म में, अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में, किसी सोर्स के फॉर्म में आपके पास आना शुरू होंगी। जिन लोगों का व्यवहार गलत होता है या जिन लोगों की थिंकिंग बहुत नेगेटिव होती है या दूसरों को नीचा दिखाने की होती है या कंस्पायर करने की होती है या वो खुद भी किसी ना किसी तरह किसी नेगेटिव संगत में होते हैं, नेगेटिव आदतों में होते हैं, उनके पास माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं टिक सकती। माँ लक्ष्मी की तरफ आप अगर देखते हैं तो वो आपको इतनी सुंदर और इतनी सुशील और यू नो शी इज़ ब्यूटिफुल एंड शी इज़ लेडेंड एंड इट जस्ट व्हेन यू लुक एट हर यू जस्ट फील सो प्योर एंड प्रिस्टीन। और वही अगर आपके अंदर आचरण होगा तभी आप उनको, उसी वाइब्रेशन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अपने घर को साफ सुथरा रंग रोगन करने के साथ साथ आप खुद को भी ज़रा साफ करिए, तभी आप सही मायनों में लक्ष्मी को किसी फॉर्म में अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा क्लटर की जब हम बात करते हैं, क्लटर को क्लीन करने की बात करते हैं, रद्दी बेचने की बात करते हैं, तो वो सिर्फ आपके घर के पुरानी मैगजीन्स, अखबार, टूटा फूटा सामान, रुकी हुई घड़ियां नहीं होती, उनके साथ साथ आपके मन का क्लटर, कितने सालों से आपने कुछ कुछ अपने मन में जमा कर रखा है, कितने सालों से आपने कुछ लोगों के प्रति हेट, उनके खिलाफ कितनी सारी चीज़ें अपने मन में जमा कर रखी हैं। जब आपके पास आपके मन में इतनी सारी मेमोरीज़ होती हैं ना, तो यू समहाउ कैनॉट वाइब्रेट ऑन द पोटेंशियल ऑफ अबंडेंस। यू ऑलवेज सीम टू बी रीप्लेइंग दोज इंसिडेंट्स एंड मेमोरीज इन योर हेड लाइक अ सीडी, यू नो वो सीडी प्लेयर हमेशा चलता रहता है और आपकी जो हैं वो सारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और आपको कभी भी उस हाई फ्रीक्वेंसी पे जाने का मौका नहीं दे पाती। तो अपने घर की रद्दी बेचने के साथ साथ अपने आप को भी खाली करिए। सत्संग में आपको इतने सारे स्पिरिचुअल प्रोसेसेस सिखाए हुए हैं विच हेल्प यू इन clearing your past, which help you in being in the present moment and experiencing the bliss. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो है कुछ, हाँ अब ये बात भी मेरे पास हर बार बहुत questions आते हैं कि ये ताश खेलना, you know ताश parties होती हैं, card parties होती हैं, जुआ खेलते हैं लोग, क्या ये हद कुछ हद तक सही है। देखिए इसके लिए मैं
आई एम नॉट गोइंग टू से राइट और रॉन्ग, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ कि जब भी हमने अपनी पौराणिक कथाओं में गैम्बलिंग देखी है या किसी तरह का जुआ देखा है, तो उसका हश्र क्या हुआ है ये हम सब ने देखा है। पांडव और कौरवों के बीच ये गैम्बलिंग हुई थी, जिसकी वजह से शायद युद्ध छिड़ा, जिसकी वजह से शायद पांडवों को रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो धीरे 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 करके सब कुछ हार गए। अपनी पत्नी जो कि शुक्र का कारक है, जो कि लक्ष्मी है, स्वयं लक्ष्मी द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। देखिए, किसी भी फॉर्म की गैम्बलिंग अच्छी नहीं मानी जाती। मैं तो कई बार ये भी देखती हूँ कि जो हमारे शादियाँ होती हैं, ब्याह होते हैं, उसमें मैं देखती हूँ कि किस तरह से लोग पैसे फेंकते हैं, उड़ाते हैं, और बेशक वो बारात हो या डोली हो, ये बहुत ही गलत बात है। इसको आप बिल्कुल ना करें। ये पैसे का, आपकी लक्ष्मी का बिल्कुल निरादर है। ये कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि आपको ऐसे पैसे फेंकने चाहिए या गड्डियां उड़ानी चाहिए। दिस ऑल्सो स्पॉइल्स द मनी ब्लू प्रिंट। पैसा कैसे रखना है, इस बार सत्संग में मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया, मैंने शास्त्र के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पैसा फिजिकल फॉर्म में और क्वांटम फॉर्म में भी हमें किस तरह से असर करता है। तो सबसे पहले तो आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि पैसा कोई फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, पैसा एक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है, एक क्वांटम वर्ल्ड की चीज़ है, इसको समझने से एक चीज़ तो हो जाएगी कि आप अपनी ऊर्जा समझ पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि आप में क्या गुण थे जब आपके पास बहुत सारा पैसा था, या आप में क्या अवगुण हैं। देखिए, लक्ष्मी जो है वो तामसिक नहीं है। जब हम अपना पैसा उड़ाते हैं या जब हम अपना पैसा गलत चीज़ों में लगा देते हैं, तो डेफिनेटली वो लक्ष्मी की एनर्जी नहीं होती। आप सोचिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आई हैं विराजमान होने साक्षात, आप उन्हें क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? क्या आप उन्हें शराब परोसेंगे? क्या आप उन्हें मांस परोसेंगे? क्या आप किसी भी तरीके की गंदी कोई भी आचरण, उनके सामने गालियां, क्या कुछ भी ऐसा आप उनके सामने कहेंगे या करेंगे? नहीं ना। यानी कि आपको पता है कि जब माँ लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, जो कि स्वयं सब कुछ देने वाली हैं, विष्णु की पत्नी है, जब वो स्वयं आपके घर में आना चाहती हैं, तो आपको अपना आचरण तक सुधारना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ घर पे लाइटें लगाने से आपकी दिवाली हो जाती है और माँ लक्ष्मी आपके भंडारे भर देती हैं, या आप दिवाली वाले दिन आरती कर लें और पंडित को बुला लें और खूब जोरों शोरों से अपने मंदिर में करें, और देन यू आर यू नो मेंटली सेटिस्फाइड दैट यस यू हैव डन योर दिवाली पूजा लाइक नोबडी एल्स। ओके, VIP का मतलब, मैं तो कई बार बोलती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहती हूँ कि कई लोग जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को VIP कैटेगरी का मानते हैं, और मैं VIP की डेफिनेशन बोलती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पापी। जब आप VIP अपने आप को मानते हैं और आप हर जगह स्पेशल वेलकम से लेकर और स्पेशल ट्रीटमेंट तक एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, हर जगह आप जाइए तो आपको VIP की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। बेशक कई लोग तो तीर्थों पर जाकर भी बहुत ज़्यादा VIP ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप याद रखिए, आप वेरी इंपॉर्टेंट पापी बन गए हैं। जब तक आपको भगवान के द्वार पर, ज्ञान के द्वार पर घुटने टेकने नहीं आएंगे, तब तक आपको जीवन के धक्कों से निजात नहीं मिलेगी। आप साधारण थे, साधारण हैं और साधारण रहेंगे, क्योंकि आपकी विशेषता केवल इस बात में है कि परमात्मा ने आपको चुना हुआ है। बस अगर आप केवल इसी बात का ध्यान रखें,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कोई विशेष, कोई श्रेष्ठ कुछ नहीं है। यू आर अ नॉर्मल पर्सन हु इज जस्ट चोजन बाय गॉड टू डू वट एवर यू आर डूइंग। लक्ष्मी आपके घर में तभी विराजमान होंगी जब आप ये 5 दिन को अच्छे से सिस्टमैटिकली प्रोसेस से फॉलो करेंगे। डोंट से यू डोंट हैव टाइम, बिकॉज इफ यू से यू डोंट हैव टाइम, आई ऑलवेज से दिस, एक बार जीवन में ये बोलिएगा यू डोंट हैव टाइम, जब यमराज आपके द्वार पर खड़े होंगे तो आप बोलिएगा यू डोंट हैव टाइम। इसके अलावा जो लोग बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम, तो यानी कि वो बहुत आलसी हैं और आलसी लोगों के पास लक्ष्मी का कोई काम नहीं है। लक्ष्मी ने तो राजा बलि तक को छोड़ दिया था क्योंकि वो आलसी हो गए थे। तो लक्ष्मी का जो आचरण होता है वो है ऑलवेज मूविंग, यानी यू ऑलवेज हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, यू ऑलवेज हैव टू कीप डूइंग योर ड्यूटी, योर धर्मा विद अटमोस्ट लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। आप सबको मैं यही निवेदन करूंगी, दिवाली आ गई है, इट इज अबाउट योर हार्ट, इट इज अबाउट इल्यूमिनेटिंग योर हार्ट। दिवाली महासाधना जो लोग करते आए हैं, ये हमारा 13वां साल है, उनको अपने जीवन में हर एरिया में ग्रोथ मिली है। आई वुड से दैट ये कलयुग है ना, तो कलयुग में हमने सबसे श्रेष्ठ जो है वो पैसे को बना दिया। शायद त्रेता युग में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान था, है ना। सो करेंसी जो चलती थी पुराने युगों में वो था ज्ञान, वो थी अबंडेंस, परिवार, धर्म, है ना। लेकिन आजकल कलयुग में सबसे ज्यादा जो हमें प्रिय है वो है पैसा। लेकिन लक्ष्मी कहती हैं कि मैं सिर्फ पैसे के फॉर्म में नहीं आती, मेरे जो फॉर्म्स हैं आपको उनको जानना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा। और ये 5 दिन आप मानिए एक लॉटरी जैसे होते हैं कि जिनको करके, और जो आपको किट भी मैं देती हूँ ना, उनमें जो आइटम्स होते हैं और हर साल हम उसमें एक ना एक आइटम मैं ऐड करने की कोशिश करती हूँ, तो उसमें भी आप देखिए कि हर चीज आपके नाम से एनर्जाइज होती है, यानी इट इज सो स्पेसिफिक फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि मार्केट गए और कुछ खरीद के ले आए। जब हमारे लिए स्पेसिफिकली कोई संकल्प करके कोई चीज की जाती है तो वो उसका फल जो है हमें और हमारे परिवार को लगता है। सो दिवाली इज अ टाइम टू मैनिफेस्ट स्पिरिचुअल वेल्थ एंड मटेरियल वेल्थ टुगेदर। आपके घर में संस्कार होने चाहिए, तभी तो पैसे की बरकत होगी। आप मानिए आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, या आपके बच्चे जो हैं उसका निरादर करते हैं, आपके बच्चों का कोई अता पता ही नहीं है, आपके बच्चे वो कर रहे हैं जिससे समाज में आपका, आपको जो है यू नो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही, ऐसे पैसे का क्या फायदा। पैसा तो तब फलेगा, पैसे में तो तब बरकत होगी जब आपकी फैमिली is growing together, you are feeling prosperous with your own children, you know, that is called the true form of wealth. So through this Mahasadhana, the document, I have tried my best to introduce you to the true form of Lakshmi, to the true form of Shakti, and how this feminine energy flows into your life, how it can get you abundance, how it can bring us from a healthy family to a healthy body to a healthy profession, to lots of opportunities, to vehicles, to houses, to clearing of your debts, everything. Everything gets covered in these 5 days. But it is very important for you to understand the true meaning of Diwali, the true meaning of Ma Lakshmi. So for sure that humne jo aaj tak suna hai, और जो किया है शॉर्टकट्स मार मार के, हमारी आदत है ना कि हम शॉर्टकट्स मारते रहते हैं, ये डेफिनेटली माँ लक्ष्मी नहीं है, बिकॉज शी डज नॉट अंडरस्टैंड शॉर्टकट्स। माँ लक्ष्मी तो स्थिर रूप से हमारे पास रहने आई हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कहीं जल्दबाजी में और तमस के कारण कहीं आपने उनके जैसी दिखती हुई उनकी जुड़वा बहन दरिद्रता, उसको तो अट्रैक्ट नहीं करा हुआ,
क्योंकि लक्ष्मी की बहन है दरिद्रता, जो कि उन्हीं के जैसी हैं और उन्हीं के साथ चलती हैं। लेकिन कई बार हम अपनी आदतों की वजह से, अपनी गलत संगत की वजह से, अपने तमस की वजह से, अपने आचरण की वजह से हम दरिद्रता को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट किया। तो आज आप ये देखिए कि आपने लक्ष्मी को बुलाया है या उनके जैसी दिखने वाली उनकी जुड़वा बहन दरिद्रता को अट्रैक्ट किया है। आई एम लीविंग यू विद दिस थॉट एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दिस दिवाली महासाधना। द महासाधना इज एब्सोल्यूटली रेडी to reach all of you and I am very excited because इस बार तो माँ लक्ष्मी ने ऐसी शक्ति का एक ऐसा यंत्र बनवा डाला है कि जिसको देखते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वाह क्या बात है। So when it reaches you all, I am sure you will also love it and you will feel the energy। आपके घर भरे रहें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप हर तरह से समृद्ध हों, इसी कामना के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलूंगी बहुत जल्दी एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिवाली महासाधना। कांट वेट फॉर योर पिक्चर्स एंड योर वीडियोस ड्यूरिंग द साधना। सो थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।